आज प्रखंड प्रमुख बहादुरपुर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विशेष बैठक के लिए 11 सितंबर 2020 को 11 बजे से निर्धारित थी, जिसमें कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधान नियमानुसार पंचायत समिति की विशेष बैठक के लिए एक निर्धारित समय होता है, जिसमें कि सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को उपस्थित होना होता है, जिसमें कि एकमात्र सदस्य कुल प्रमुख और उपप्रमुख मिलाकर 32 सदस्य होते हैं। यहाँ जिसमें कि एकमात्र रामनूर यादव जगना मेदा पंचायत समिति सदस्य हुए, जिसके कारण निर्धारित समय पर पंचायत समिति की बैठक, विशेष बैठक में जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए सदन की कुल बहुमत आवश्यक होता है, निर्धारित बहुमत बैठक नहीं हो पाई और विशेष बैठक को पारित करने के लिए जो बहुमत की आवश्यकता है, न विशेष बैठक में चर्चा हो पाई, न उस पर मत विभाजन हो पाया, जिसके कारण आज अविश्वास प्रस्ताव की बैठक अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाए। सर ये बताइए कि क्या लोगों को पता था, जो लोग नहीं आए हैं उनको पता था कि आज 100% लोगों को ताबेला दिया गया था और पंचायत समिति की विशेष बैठक के लिए हमारे कुल 15 पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा आवेदन दिया गया, उसी के आलोक में माननीय प्रमुख महोदय द्वारा बैठक निर्धारित किया गया और उसी बैठक के आलोक में आज बैठक हुई। तो उन लोगों का क्या मतलब कहना है कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो तो अभी हम प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको बैठक में उपस्थित होना था, नहीं हो पाए और इस पारित विशेष बैठक में पारित होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है। आगे भी बैठक बुलाया जा सकता था? नहीं, पंचायती राज अधिनियम में कोई भी प्रमुख पर निर्धारित समय अवधि में एक व्यक्ति पर एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रखंड के कुछ प्रशासनिक विधि व्यवस्था के कारण हमारे पंचायत समिति सदस्य सब हमसे भरोसा होने वाले थे, लेकिन हम सभी पंचायत समिति का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास रखा और हमारे साथ रहे। ये जीत जो है आते हैं सभी पंचायत समिति सदस्य को, एक बात है वो तो प्रखंड के प्रशासन के द्वारा ही तो व्यवस्था नहीं था, इसीलिए तो हमारे पंचायत समिति सदस्य हम पर अविश्वास लगाए हैं। जो क्या मानते हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव का जो लगाया गया था वो प्रखंड के, हाँ प्रखंड के पदाधिकारी के लचर पे, इन पे सब प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनके द्वारा ऐसा किया, ये सब मुख्य है प्रखंड विकास द्वारा। चलिए, राज व्यवस्था के अंतर्गत ये संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन लोकतंत्र बनता है लोक और तंत्र दो चीज से, तो लोक को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और तंत्र यह चाहता है कि हम हावी हो जाएं राजनीति पर भी और पूरे सिस्टम पर भी। पंचायत समिति सदस्यों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अति पिछड़ा का बेटा है ललित मंडल जी और काम करने वाले हैं, करते हैं लगातार, इनके यहाँ जो लोग आते हैं उसका सम्मान भी करते हैं, और सभी पंचायत समिति सदस्यों ने जो लोग दिए थे इनके ऊपर अविश्वास वो भी इनके साथ हो गए, तो इनकी राजनीतिक कुशलता को दिखाता है। और हमारी शुभकामना मुखिया संघ के तरफ से इनको है कि ये प्रखंड को सुचारू रूप से लेकर के चले। अभी पंचायत समिति की बहुत प्रखंडों में बैठक हो गई है और आपके माध्यम से, आपके चरण से हम अलग पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करेंगे कि भैया जब प्रखंड प्रमुख ने ये लिख करके दिया कि बैठक बुलाया जाए तो आपको बैठक बुलवाना चाहिए, बैठक बुलवाइए और लोकहित और जनहित की जो बातें हैं वो प्रखंड में की जाएंगी। हम लोग ये आशा करते हैं कि एक पखवाड़ा के अंदर में आने वाले कुछ दिनों में प्रखंड पंचायत समिति की बैठक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उज्ज्वल कुमार, बहादुरपुर मुखिया संगत।